सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से अपन लोग आ चुके हैं धमाकेदार वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको हिमलैंड सीजन 4 के पार्ट 6 के कुछ हिडन डिटेल्स बताने वाला हूं, जो कि आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी और ना आपने नोटिस करी होगी और ना ही आप नोटिस उसे कर सकते हो, बिकॉज वो हिडन डिटेल एकदम हिडन है। पिछली वीडियो में मैंने टॉप 3 हिडन डिटेल्स बताई थी पार्ट 6 के बारे में, जिसमें मैंने एक हिडन डिटेल में बताया था कि स्मार्टी बाय का जो हंगर लेवल है वो घट नहीं रहा था, तो इट मींस वहां पर वो पीसफुल मोड में खेल रहे थे। तो उस वीडियो पर बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे थे कि भाई तू ध्यान से देख वीडियो को, स्मार्टी बाय ने खाना खाया था। और भाई कुछ बंदे तो लॉजिक लगा रहे थे कि भाई वो स्प्रिंट बटन को छोड़ेंगे नहीं तब तक उनका फूड बार गायब नहीं होगा, तो भाई ऐसा नहीं होता है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इस वाले क्लिप में विजर्ड को स्मार्टी भाई आवाज देते हैं। और तभी विजर्ड उनके पीछे पड़ जाता है और यहाँ पर आप लोग इन्वेंट्री में देख सकते हो उनका कितना खाना है और कितना नहीं है। और यहाँ से स्मार्टी भाई भागना शुरू करते हैं। और आप लोग मुझे बताना कि वीडियो कहाँ पर कट हुई है और वीडियो में कहाँ पर स्मार्टी भाई ने खाना खाया है। इतना सीन आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पर वीडियो भी नहीं कट हुई है और स्मार्टी भाई ने खाना भी नहीं खाया है और ना ही उनका हंगर लेवल डाउन हुआ है। इट मींस यहाँ पर वो पीसफुल मोड में खेल रहे थे। सो आई थिंक ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। और हाँ, जिसने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने टॉप 3 हिडन डिटेल्स बताया है, सो उस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, याद से देख लेना। और गाइस उसी वीडियो में मैंने एक और हिडन डिटेल बताई थी, जिसमें जो विजर्ड का जादू सिर्फ होता है जो कि हवा में होता है वो अनब्रेकेबल होता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। बट जब होगा लाला के क्लोन और विजर्ड आपस में फाइट कर रहे थे तो वहाँ पर एक कारपेट टूट गया था। अब इसका सिर्फ दो ही मतलब हो सकता है, या तो वो दोनों क्रिएटिव मोड में थे और या तो वो अनब्रेकेबल वाला सिस्टम हट गया था। और भाई बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे थे कि भाई विजर्ड और होगा लाला जादुई बंदे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो कोई भी हो कुछ भी करें इससे नहीं फर्क पड़ता है। माइनक्राफ्ट का जो रूल होता है वो रूल होता है, वो सबके लिए बराबर होता है। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका टेक्निक क्या होता है कि आप किसी भी चीज को अनब्रेकेबल कैसे बना सकते हो और उस चीज को आप लोग तोड़ सकते हो या फिर नहीं तोड़ सकते हो, किसी भी जादू का उपयोग करके आप लोग नहीं तोड़ सकते, वो चीज मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर बात करते हैं अपने हिडन डिटेल्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे स्मार्टी भाई या फिर हिमलैंड से कोई भी हेट नहीं है, मैं केवल वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाता हूं, तो कृपया करके इसे सीरियसली बिल्कुल भी ना लें। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन। नंबर 1, तो ड्रीम बॉय के इस वाले क्लिप में आप लोग देख सकते हो कि हीरो ब्रायन ने एक TNT कैनन को डिस्ट्रॉय किया था, जो कि SG और फलाना जी ने बनाया था ड्रीम बॉय के किंगडम को तबाह करने के लिए। बट TNT कैनन में जितने भी ऑब्सिडियन यूज हुए थे उसे हीरो ब्रायन ने टच तक नहीं किया है, इसका मतलब वो अभी तक सही सलामत है। बट स्मार्टी भाई के इस वाले सीन में आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि जब स्मार्टी भाई ड्रीम बॉय से मिलने जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो TNT कैनन के नीचे वाला ऑब्सिडियन था वो हट चुका है। इट मींस वो किसी ने तोड़ा है, वो क्यों तोड़ा है मुझे नहीं पता, बट क्या आपने ये वाली हिडन डिटेल नोटिस करी थी या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 2, तो इस हिडन डिटेल को जानने के लिए मैं आपके सामने एक क्लिप प्ले करता हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जब विजर्ड स्मार्टी भाई के पीछे पड़ा था तो स्मार्टी भाई एक पोर्टल में गए थे और पोर्टल में जाते जाते स्मार्टी भाई ने खाना भी खाया था। बट जैसे स्मार्टी भाई अगले पोर्टल से निकलते उनका हेल्थ एकदम फुल हो चुका था। इट मींस कि वहां पर इन्होंने वीडियो कट की थी और इसका क्या रीजन हो सकता है मुझे नहीं पता, बट इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वहां पर वीडियो कट हुई थी। और भाई क्या आपने वाली हिडन डिटेल नोटिस करी थी या फिर नहीं करी थी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 3, तो ये वाली जो हिडन डिटेल है वो बहुत सारे यूट्यूबर्स बता चुके हैं और शायद से आपको पता भी होगा, बट फिर भी सुन लो। जब ड्रीम बॉय स्मार्टी भाई को अपने किंगडम से भगा देता है तो स्मार्टी भाई SGO से मिलने जाते हैं। बट क्या आपने एक चीज नोटिस करी कि स्मार्टी भाई SGO से मिलने के लिए डार्क हिमलैंड में गए थे, क्योंकि भाई ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ना वो डार्क हिमलैंड में ही था। सो इट मींस वो डार्क हिमलैंड में आए थे। बट एक चीज आप सबको पता है कि जब भी स्मार्टी भाई डार्क हिमलैंड में जाते हैं तो वो हम सबको बताते हैं कि हम डार्क हिमलैंड में जा रहे हैं या ऐसा वैसा कुछ, या फिर उस पोर्टल के बारे में जरूर बात करते, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो क्या आपने ये वाली हिडन डिटेल नोटिस करी थी या फिर नहीं। सो दैट्स इट गाइस, यही था आज का हिडन डिटेल्स और वक्त आ चुका है भीख मांगने का। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।